ये भीग सी रातों में अब चैन कहाँ है, बस तुझको ही हर पल। तो गाइस आज मैं इस वीडियो में आप लोग को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का इफेक्ट देके किसी भी इमेज पे इस तरह स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। अगर आप इस तरह स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं इसी टाइप का और स्टेटस वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल का आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो गाइस इस तरह स्टेटस वीडियो बनाने के लिए एक ऐप की जरूरत होगी जिसका नाम है एवी प्लेयर। एवी प्लेयर प्रो वर्जन का डाउनलोड लिंक आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद एकदम टॉप पे आपको प्रो वर्जन मिल जाएगा एवी प्लेयर का। ऐप डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को आपको सिंपल सा ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ऊपर में देखिए बॉक्स की तरह आइकन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा लोड फ्रॉम फाइल, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करना होगा। तो मेरे पास एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट आप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। डाउनलोड करने के बाद इधर जो फाइल मैनेजर है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद जिस फोल्डर पर टेम्पलेट डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर को ओपन करके टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद देखिए इधर एकदम लास्ट में जो बॉक्स रहेगा उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद बैकग्राउंड पर देखिए इस तरह आ जाएगा। एकदम टॉप पे देखिए एक पेंसिल का आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए ऑडियो प्रोवाइडर का नीचे इधर इमेज ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट साइड में इमेज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कस्टमाइज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद पीक इमेज पे क्लिक करने के बाद इधर आपको इमेज ऐड करना होगा जिस इमेज पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मेरे पास एक इमेज है, इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ऐड करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद देखिए इस तरह आ जाएगा। तो इधर और कुछ आपको सेटिंग करना होगा। इधर देखिए लिखा रहेगा कलर की, तो कलर की पे क्लिक कीजिए। और देखिए इधर दो टिक आपको मिल जाएगा, ऊपर वाला जो टिक है उसको आपको हटा देना है। उसके बाद इसको क्लोज करके बैक आ सर है, उसका नीचे लिखा है ब्लूअर, उस पर क्लिक कीजिए। और जो टिक है इसको भी आपको हटा देना है। उसके बाद इसको क्लोज करके बैक आ सर है, उसका नीचे लिखा है इमेज, तो उस इमेज पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट साइड में इमेज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कस्टमाइज पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पीक इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको सेम वही इमेज ऐड करना होगा। आप चाहो तो दूसरा इमेज भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं उसी इमेज को ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद देखिए इधर आया नहीं, इधर आपको और एक सेटिंग करना होगा। इधर देखिए एकदम नीचे लिखा रहेगा जेनरेटेड एल्बम आर्ट, इस पर क्लिक कीजिए। और जो टिक है इसको भी आपको हटा देना है। ओके, तो देखिए इधर थोड़ा सा आ गया है। उसके बाद देखिए इधर लिखा रहेगा ब्लर इफेक्ट, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद राइट साइड में अपीयरेंस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए जो लाइन है इस लाइन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये जो डॉट है इसको आपको लेफ्ट साइड में लेकर आ जाना है। ओके, उसके बाद इसको क्लोज करके बैक आ जाना है। उसका नीचे लिखा है टेक्स्ट, तो आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट साइड में अपीयरेंस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद मेरा चैनल का नाम को ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर से मेरा चैनल का नाम को ऊपर क्लिक करके आप आपका चैनल का नाम या तो फिर अपना नाम दे दीजिए। उसके बाद इसको क्लोज करके बैक आ जाना है। उसका नीचे लिखा है पार्टिकल्स, तो आपको पार्टिकल्स पे क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट साइड में जनरल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए जो बॉक्स है बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद इसको क्लोज करके बैक आ जाना है। उसका नीचे लिखा है इमेज, तो आपको इमेज पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए इधर टेक्स्ट लाने के लिए एकदम नीचे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लूअर, सॉरी इधर दूसरा ऑप्शन होगा, इधर जनरल पे क्लिक करना होगा। ओके, जनरल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो पोजीशन है पोजीशन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए जो डॉट है इसको आपको राइट साइड में कुछ इस तरह लेके आना है 500 तक। ओके, तो इधर 500, ओके, कुछ इस तरह। उसके बाद देखिए आपको पूरा बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए अभी वीडियो तैयार है। तो इस वीडियो में गानों का ऐड करने के लिए देखिए लेफ्ट साइड में थ्री लाइन है, थ्री लाइन पे क्लिक करके लाइब्रेरी पे जाना होगा। उसके बाद इधर आपको गाना को ऐड करना होगा। गाना ऐड होने के बाद फिर से थ्री लाइन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद विजुअलाइजर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद राइट साइड में देखिए एक एरो का आइकन मिल जाएगा। एरो आइकन पे क्लिक करके इधर आपको छोटा सा एक सेटिंग करना होगा। इधर देखिए लिखा है वीडियो विथ, इधर लिखा है वीडियो हाइट, तो वीडियो विथ की जगह में लिख दीजिए 1080 और वीडियो हाइट की जगह में लिख दीजिए 1350। ये लिखने के बाद नीचे एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक आपका जो वीडियो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह और स्टेटस वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।